गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ टू स्टार्ट चैप्टर सिक्स लेक्चर थ्री दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक है आज आपके एंटी ट्यूमर एंटी पैराटिक्स एंटी डायबिटिक्स एंड यूरेटिक्स नाउ फर्स्ट है आपका एंटी ट्यूमर एंटी ट्यूमर का सिलेबस क्या है इसमें आपको सिर्फ एक ड्रग पढ़नी है कौन सी ड्रग है विनका तो so नाउ सबसे पहले देखते हैं ट्यूमर होता क्या है लैटिन वर्ड से ट्यूमर जो है उसका मीन्स होता है स्वेलिंग और है न्यो एंटी ट्यूमर ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो ट्यूमर ड्रग्स होती है उनका यूज किसके ट्रीटमेंट में करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं द कैंसर आर कैकोजेनिक ग्रोथ इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ न्यू टिश्यू ग्रोइंग इन और एन पार्ट ऑफ द बॉडी जब एबनॉर्मल मास हमारी बॉडी में ग्रो करने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं कैंसर वो कैंसर बन जाता है तो उसी के ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं एंटी ट्यूमर ऐसी ड्रग्स के ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं एंटी ट्यूमर सेवरल टाइप ऑफ कैकोजेनिक ग्रोथ हैव बीन रिपोर्टेड बहुत अलग अलग टाइप के कैकोजेनिक ग्रोथ्स होते हैं जो हमारी रिपोर्ट में मैंशन होते हैं The cancer is regarded to be an incurable disease in secondary stage. Cancer is regarded to be incurable disease in secondary stage. Mein. The radioactive substance, metal compounded, and several chemotherapy drugs have been suggested to control the cardiogenic growth. कैम कैंसर में क्या होता है कीमोथेरेपी सेशन Chemo चलते हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी एबनॉर्मल मास ग्रो कर रहा है उनकी ग्रोथ को वो कंट्रोल करते हैं कि मतलब वो जा, जल्दी से ना बढ़ जल्दी से ग्रोथ उसकी ना हो धीरे धीरे होती है बट धीरे 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 हो उसको ग्रोथ को कंट्रोल करता है फर्स्ट वन है आपकी ड्रग वेनिका जिसकी हमें फार्माकोग्नोसी स्टडी करनी है तो देखते हैं अनदर नेम क्या है विनिका का तो कैथरेंथस है विनिका रोजिया और विंकल क्या क्या है कैंथरस विनिका रोजिया और लास्ट में है पेरी विंकल बायोलॉजिकल सोर्स इट इज अ ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथेरेंथस रोजिया होल प्लांट का जो ड्राइड पार्ट होता है उससे हमें क्या मिलता है कैथेरेंथस रोजियस फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करती है तो ऐपोसिनिय फैमिली से ये बिलोंग करती है जियोग्राफिकल सोर्स साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज इंडिया यूएसए यूरोप एंड लास्ट में आपका है ऑस्ट्रेलिया डिस्क्रिप्शन कलर कैसा है लीव्स आर ग्रीन लीव्स का कलर कैसा है ग्रीन है रूट आर पेल ग्रे रूट का कलर कैसा है पेल ग्रे है फ्लावर आर वॉयलेट पिंक वाइट एंड क्रेमिन कलर ऑर्डर केमिकल कॉन्स्टिटेंट कौन कौन केमिकल्स यूज होते हैं तो ग्लाइकोसॉइड एंड एल्केल्के होता है सिक्सटी परसेंट इन प्लास्टीन विनक इंडोल डाई हाइड्राइंड एल्लॉइड फेजेस ऑनकोलिटिक एजमालिस

एंटी क्या होता है एंटी इज मेडिकेशन यूज टू लोअर बॉडी टेम्परेचर वेन अ फीवर इज प्रेजेंट जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल है आपका एस्पिरिन, एसिटामिनोफिन पैरासीटामोल लोअर बॉडी टेम्परेचर वैन अ फीवर इज प्रेजेंट क्या होता है एस हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है एग्जैक्ट टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर कम हो रहा है या टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि मुझे बुखार है क्यों क्योंकि बॉडी टेम्प, में टेम्परेचर का कम होना भी ख़राब है और बॉडी में टेम्परेचर का ज़्यादा होना भी खराब है लेप्रोसी इज एन इन्फेक्टियस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज माइक्रो बैक्टीरियम कहते ये हैं कि जो बुखार क्या है एक आपका सिम्टम है कि आपकी बॉडी में ये ये डिज, ये डिजीज़ है इस वजह से आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए एक तरह से बोल स्पेशलाइजेशन कि आप अपनी बॉडी का चेकअप करा लो इट इज आल्सो नोज इज हैंसन डिजीज इसको हम हैंसन डिजीज भी बोलते हैं प्राइमरी इफेक्ट सुपरफिशियल टिश्यू स्पेशली द स्किन एंड पेरीफेरल नर्व्स जो ड्रग है आपकी जिसकी फार्माकोमोसिस्ट्री वो कौन सी है चौल मुग्रा ऑयल अनदर नेम क्या है हिट्रोकार्पस गाइनाकॉर्डियल ऑयल बायोलॉजिकल सोर्स हिडनोकार्पस ऑयल इज फिक्स्ड ऑयल ये कैसा ऑयल है फिक्स्ड ऑयल है फ्रॉम राइट सीड्स ऑफ द्लांट हिडनोकार्पस एथल है एक हमारी ड्राइट सीड से है जो कैसा है एक फिक्स ऑयल है जियोग्राफिकल सोर्स म्यांमार था इंडिया बांग्लादेश आशाम और लास्ट में आपका त्रिपुरा डिस्क्रिप्शन कैसा है कलर ऑर्डर और टेस्ट कलर हमारा किसका है येलो टू तो ब्राउन येलो कलर एंड ऑर्डर कैसा है कैरेक्टरिस्टिक्स है टेस्ट कैसा है एक्रिड है थर्ड टॉपिक इसमें आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसको हम बनाते कैसे इट्स सीड्स कंटेन 40 टू 45 फिक्स्ड ऑयल सीड्स आर डिकॉर्टिकेटेड बाय द मशीन आफ्टर द ग्रेडिंग मशीन में इसकी सीड्स को हम रखते हैं किसके लिए डिकॉर्टिकेट ऑफ द ग्रेडिंग के लिए द कर्नल्स आर पासड विद हाइड्रोलिक प्रेशर एंड ऑयलेस फिल्टर कर्नल्स का काम क्या होता है हमारे आ, हमारी जो सीड्स हैं उनके ऑयल को फिल्टर करना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं तो एस्टर ऑफ अनसैचूरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ चलमोग्रिक एसिड ट्वेंटी सेवन परसेंट हिडनोकार्पिक एसिड फोर्टी एट परसेंट ग्लाइसराइड्स ऑफ पैलमेटिक एसिड यूज़ेस कौन कौन से हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज करते हैं लेप्रोसी में ट्यूबर में पोसोरोसिस में एक्स्यूम में रूमेटिज्म में रूमेटिज्म का मतलब होता है जॉइंट पेन जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके पेन में एंटी बैक्टीरियल में नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटी डायबिटिक्स एंटी डायबिटिक्स में आ, कौन कौन सी स्टडी करनी है आपको एक पिट्रोकार्पस ड्रग है और एक आपका जिमनेमिया सेल्वेस्ट्रो तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है सबस्टांस यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक्स आर नोन एज एंटीडायबिटीज मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे यूज़ होती हैं किस में डायबिटिक डायबिटीज़ में उनको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक्स ग्रीक वर्ड है आपका डाया जिसका मतलब होता है थ्रू और एक बेहन मतलब होता है टू गो फास्टिंग आपके शुगर की जो रेंज होती है फास्टिंग कितनी होती है वन हंड्रेड टेन एम जी डी एल और एक होती है पी पी वन सिक्सटी टू एम जी डी एल फिर आपका है डायबिटीज़ इज़ द इनाबिलिटी ऑफ़ द बॉडी टू यूटिलाइज ग्लूकोज ड्यू टू फेलियर ऑफ पैंक्रियाज इन सी इंसुलिन इन सफिशियंट क्वान्टिटी डायबिटीज़ क्या होता है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का ना बनना या एक सफिशियंट एक्ूरेट uh, में आपकी बॉडी में इंसुलिन का ना बनना ही उसको हम क्या बोलते हैं डायबिटीज़ मतलब फिर वो इंसान क्या है एक डायबिटिक पेशेंट है सेकेंड फर्स्ट है गया आपके पेट्रोकार्पस जिसका अनदर नेम क्या है बीजा साल इंडियन कीनोट्री रक्ता चंदन बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस ऑफ द प्लांट पिट्रोकार्पस मार्सुमिया पिट्रोकार्पस मार्सुमियम का जो प्लांट होता है उसके ड्राइड ट्राइप से हमें एक जूस जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं पिट्रोकार्पस फैमिली कैसी है लेग्युमिनेसी ऑब्टेन बाय मेकिंग वर्टिकल इन टू द स्टेम बार्क कलेक्टेड एंड ड्राइड ज्योग्राफिकल सोर्स जियोग्राफिकल सोर्स इसमें आपके दो है फर्स्टली आपका एक हिली रीजन और सेकेंड है आपका फॉरेस्ट हिली रीजन कहाँ है गुजरात मध्य प्रदेश बिहार उड़ीसा फॉरेस्ट कहाँ पे कर्नाटका वेस्ट बंगाल और आसाम डिस्क्रिप्शन कलर कैसा है इसका रूबी रेड है ऑर्डर है ऑर्डरलेस टेस्ट एस्ट्रिजियम साइज 3.5 टू 10 एम एम एंड शेप क्या है एंगुलर ग्रेन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट हम इनका यूज करते हैं तो फर्स्टली यूज पावरफुल एस्ट्रीजेंट में टैरिया में डिसंट्री में पैसवीम डाइंग में टैनिंग में और प्रिंटिंग में जिमनीमा सेल्वस्ट्रो नेक्स्ट ड्रग है आपके जिसका अनदर नेम क्या है गुडमार है और मधु नाशिनी है बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ द लीव ऑफ अ पैरिनियल वुडी क्लिम्बर प्लांट जिमनेमा सेल्विस्ट्रो फैमिली किस family से तो फैमिली से बिलोंग करती तो एस्ली पी फैमिली से ये हमारा बिलोंग करता है इट कंटेन नॉट लेस देन वन परसेंट एसिड कैलकुलेटेड ऑफ जिमनेमाजेन ऑन ड्राइड बैसल उत, उतास गुल जियोग्राफिकल सोर्स इंडिया डेक्कन, नॉर्दर्न एंड सदर्न डिस्क्रिप्शन क्या है कलर ग्रीन है ऑर्डर प्लीजेंट एंड आरोमेटिक है टेस्ट कैसा है टेस्टलेस है साइज क्या है थ्री पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट टू सेंटीमीटर शेप इलेक्ट्रिक कार ओवेट विथ एक्यूट। केमिकल कॉन्स्टिटेंट क्या है Penta, पाइटीन एल्फा एंड बीटा क्लोरोफिल रेजन स्टार्टरिक एसिड फॉर्मिक एसिड ब्यूट्रिक एसिड म्यूसीज एनोस्ट्रियोल एल्फा क्यूरेस्ट्रियाल जेमनेमिक एसिड द प्लांट इस रिपोर्टेड टू कंटेन एल्कोलाइज बिटेन कोलिन ल्युप्योल ट्राईमेथलमिन एंड स्टेगमास्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट इन लिव्स ये किसमें प्रेजेंट होती है हमारी लिव्स में ग्लाइकोसाइट्स में क्या है जिम्निक एसिड वन जिम्निक एसिड टू जिम्निक एसिड थ्री एंड जिम्निक एसिड फाइव यूजेस कौन कौन से यूज इज एंटी डायबिटिक्स स्टोमेटिक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव एंड द डायबिटिक्स फिर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दिस चैप्टर का दिस लेक्चर का वो है डायूरेटिक्स डायरेटिक्स में आपको दो ड्रग पढ़नी है कौन कौन सी गोखरू और पुनर्नवा डायबिटिक्स क्या होते हैं तो डायबिटिक्स आर द ड्रग विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन जब हमारी यूरिन के यूरिन के फ्लो का बढ़ जाता है तो हम इन ड्रग का यूज़ करते हैं दिस ड्रग विच कॉज अ नॉट लॉस ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर इन यूरिन फिर क्या दे इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डायबिटिक्स ड्रग्स आर यूज फॉर वेरियस क्लिनिकल यूजेस लाइक वेरियस क्लिनिकल यूजेस हैं लाइक प्रोफाइलॉन एक्यूट्रेनियल फेलियर रेगुलेशन ऑफ पैरोमेटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा मैनेजमेंट ऑफ एडमा और डिफरेंट टाइप्स और भी अलग अलग टाइप्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं किसमें क्लिनिकल्स में फॉर द नेचर अ लार्ज नो प्लांट लाइक गोखरू पुनर्नावा टी कैप कॉफी डिजिटल एसेट्राज आर डायरेटिक्स प्रॉपर्टीज दे आर मैनी टाइप्स ऑफ डायरेबिटिक्स बहुत सारे टाइप्स के डायबिटिक्स होते हैं कौन कौन से होते हैं कार्डियक डायबिटिक्स प्यरिन डायरेटिक्स ऑस्मोटिकायबिटिक्साइन डायबिटिक्स एसिडिफाइंग डायबिटिक्स एल्कलाइन डायरेटिक्स मर्क्यूरिक डायबिटिक्स एंड बोलाटाइल ऑयल डायबिटिक्स देखते हैं कार्डियक डायबिटिक्स क्या होते हैं द कार्डियक प्रेजेंट इन अ सिमिलर कार्डियोटॉनिक ड्रग इम्प्रूव सर्कुलेशन एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका डिजी टैलिस

acidic fine diuretics can, uh, these type of drug cause increased formation of urine by producing a degree of uh, degree of acidosis alkaline diuretic the potassium salt cause diuretic as they are not retained by kidney mercuric diuretics mercurial compounds are retained to kidney and to the tubules their absorption in inhibited.

इस क्या होता है ड्राइड फुल्ली ड्राइड जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स उनके जो वो ट्यूबलेस टेलेटल प्लांट होते हैं जिनके फुल्ली ड्राइड ड्राई फ्रूट्स होते हैं उससे हमें क्या मिलता है गोखरू फैमिली क्या है जाइगो फेलियसी इट कंटेन नॉट लेस देन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ डिजोसिन ऑन ड्राइड बेसिस जियोग्राफिकल सोर्स इंडिया श्रीलंका और तिब्बत डिस्क्रिप्शन क्या है कलर फ्रूट कलर कैसा होता है ग्रीनिश टू ग्रे ऑर्डर कैसे है ऑर्डर है साइज टू सेंटीमीटर शेप कहता है ग्लोबेस हैल्कोलाइट है. क्या कंटेन करता है हारमाइन हारमोन सपोनिन टेरेस्ट्रियोसिन ए टेरिस्ट्रोसिन ई ट्राइबुलेशन गीटाजेनिंग फ्लोरोजेनिन कैम्पेरोल एंड द नाइस लास्ट वन ट्रिबुलाइट यूजेस क्या है एज अ डायरटिक्स में करते हैं टॉनिक में करते हैं पेनफुल मैंस्योरेशन में करते हैं एप्रोडिय में करते हैं और गाउट में करते हैं इट इज़ अ कॉमन इन्ग्रीडियंट्स आयुर्वेदिक प्रिपरेशन चवन प्रास एंड दसमूला रिस्ट गोखरू क्या होता है कॉमन इन्ग्रीडियंट है किस आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का किस में ब किसके बनाने के लिए दसमूला रिस्ट में बनाने में और च्यवन प्रास को बनाने में पुनर्नवा नेक्स्ट ड्रग है और आपकी ये लास्ट ड्रग है दिस टॉपिक के Synonyms क्या है रक्ता पुनर्निमा एंड बायोलॉजिकल इट कन्वर डिफ्यूजा जियोग्राफिकल सोर्स क्या है इंडिया श्रीलंका हिमालय वैलीज एंड मलेशिया चाइना डिस्क्रिप्शन कैसा है लीवस कैसा है हमारा ग्रीन अपर पार्ट ग्रीन कलर का है लोअर पार्ट हमारा वाइट है स्टेम कैसा है ग्रीनिश पर्पल है फ्लावर uh, कैसा है अपर पार्ट जो फ्लावर का वो पिंक है ऑर्डर कैसा है ऑर्डर लेस है टेस्ट कैसा है बिटर है केमिकल कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं पुनर्नवा में तो पुनर्नवा फिनिक लाइकोसाइड पेनराइसाइड बेवर ए बी सी डी एंड यूरसोलिक एसिड लास्ट में आपका है यूजेस यूज्ड डायर डायरोटिक्स एक्सपेक्टोरेंट एस्टोचिक एंड द लास्ट में जॉइनस तो ये आपके टॉपिक्स हैं आज के ये हमारा आज से लास्ट चैप्टर सिक्स फिनिश होता है नाउ टू स्टार्टेड नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर सेवन सो थैंक यू स्टूडेंट ऑल द बेस्ट